प्रयागराज में फूलपुर थाना अंतर्गत दहेज का मुकदमा वापस न लेने के कारण पत्रकार को जान से की मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने भी उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, पत्रकार मोहम्मद हारून अपनी बेटी शायरा फातिमा की शादी निवासी के थाना फूलपुर मोहम्मद आजाद के पुत्र औशाफ उर्फ आशु से हो रही थी, लेकिन दूल्हा पक्ष ने दहेज की मांग को लेकर शादी तोड़ दी, जिस पर पत्रकार ने दूल्हा पक्ष पर दहेज उत्पीड़न के मामले में शिकायत की। हल्दी खुर्द मुंगारी थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रयागराज। आपको क्या प्रॉब्लम हुई है? प्रॉब्लम सर, ये हमारी लड़की की शादी थी 29 तारीख को, तो 29 को बारात आना था और 29 तारीख के ही लेट नाइट 1:30 बजे लड़के का फ़ोन आता है कि हमको बाइक, फोर व्हीलर, इन्वर्टर, पंखा, वॉशिंग मशीन, यानी कई आइटम को उन्होंने डिमांड किया कि अगर आप ये नहीं देते हैं तो बारात नहीं आएगी। हमने बहुत प्रयास किया इसके लिए, सारी रात प्रयास किया, कुछ सामान उसमें हमने कहा भी कि ये आपको हम देंगे, लेकिन वो किसी तरह से नहीं माने। तो आपको सुने कि धमकी भी मिल रही है? हाँ, ये 31 तारीख को इन्होंने हमको धमकी दिया कि अप्लीकेशन वगैरह अगर आप थाने कहीं दोगे, अप्लीकेशन हमने दे रखा था, जब उन्होंने सुना तो कहा कि अगर अप्लीकेशन आप नहीं हटाते हो तो गद्दियों से जान से मरवा देंगे। आपने ये अप्लीकेशन कहाँ दिया था? अप्लीकेशन हमने थाना औद्योगिक क्षेत्र में दिया। कोई कार्रवाई हुई वहाँ से? वहाँ से FIR तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप आज फूलपुर थाने में आए हैं? आज हम फूलपुर थाने में आए हैं। अभी 3 तारीख को कन्हौजा खुर्द बाबूगंज हमारी बहन रहती है, वहाँ हम आए हुए थे। वहाँ से वापसी में दो लोग पल्सर से बाबूगंज से जो रास्ता कन्हौजा के उसी के बीच में उन्होंने हमको रोका, रोक के जान से मारने की धमकी दिया, कहा कि अप्लीकेशन तत्काल उठाओ नहीं जान से मार देंगे। आप फूलपुर थाने में आए तो आपको आश्वासन मिला? जी, यहाँ से आश्वासन दिया गया, हमारे एप्लीकेशन को लिया इंस्पेक्टर साहब ने, आश्वासन दिए कि हम इसमें पूरी कार्रवाई करेंगे। ठीक।